जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे और आज न्यूज क्लिक आपके सामने किसानों के आंदोलन, उनके दिल्ली कूच को लेकर एक बहुत बड़ी पड़ताल लेकर आया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किसानों के दबाव और दिल्ली कूच का जो असर है वो लगातार रंग ला रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव ने ये ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन्स पर है। ब्रेकिंग: संयुक्त किसान मोर्चे की चिट्ठी पर सरकार झुकी, बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में आने की किसानों को मिली अनुमति, औपचारिक घोषणा कुछ ही समय में, आखिरकार किसान दिल्ली चलो में सफल हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, यह संभव हुआ दिल्ली पुलिस, बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और किसान मोर्चा के बीच में जो अनौपचारिक बातचीत हुई उसी के नतीजतन किसान नेताओं से बातचीत के बाद दिल्ली पुलिस ने उनको पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निरंकारी ग्राउंड पे अलाउ कर दिया है, जो कि बुराड़ी में है। सभी किसान नेताओं से अपील है कि वो शांति बनाए रखें। तो अब जो है दिल्ली पुलिस ही इनको यहाँ तक अंदर दिल्ली में लेके आएगी, इसलिए हमारे जो लोग हैं जो अपने बैरियर्स पे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा संयम बरतो। अभी ये मैसेज जो है सिंगू बॉर्डर में पहुँच गया है, सिंगू बॉर्डर के लोग यहाँ पर 15, 20, 25, 50 मिनट में पहुँच जाएंगे, जितना रास्ता होता है पहुँच जाएंगे, गुरनाम वगैरह पहुँच जाएंगे, वहीं से टीकरी से आ जाएंगे, हर कहीं से आएंगे। पुलिस से है कि आप उनको रोको मत, और आपको भी मैसेज 5-10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए और खोल के उनको लेके आने का काम करें, उनका स्वागत का काम करें। अगर स्वागत नहीं तो उनके ऊपर टीयर गैस चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और संजीव झा जो कि बुराड़ी के विधायक हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर। बुराड़ी के नजदीक निरंकारी ग्राउंड में दिल्ली पुलिस ने किसानों को बैठने की अनुमति दे दी है। दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि आंदोलनकारी किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यकीनन चाहे योगेंद्र यादव हो या संजीव झा, उनके तेवर से स्पष्ट हो रहा है कि वो इस मुद्दे पर एक तरह का समझौता चाहते हैं। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक खबर, क्या आप जानते हैं, अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल सरकार से यह अनुमति मांगी थी कि दिल्ली के 9 स्टेडियम्स को जेल में बदला जाए। जेल में बदला जाए, वो किसान जो सिर्फ संवाद चाहते हैं, वो किसान जो सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, उन्हें जेल में ठूसने का प्रोग्राम दिल्ली पुलिस ने बना लिया था। आज ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा कि निरंकारी ग्राउंड में अब जबकि किसान इकट्ठा होंगे, क्या निरंकारी ग्राउंड किसानों का तहरीर स्क्वायर बनने जा रहा है, किसानों का रामलीला मैदान बनने जा रहा हूं? मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या वहां से कोई अन्ना उभर कर आएगा, नहीं साहब, क्योंकि अन्ना हजारे ने इस देश की जनता को, इस देश की सियासत को जिस तरह से मूर्ख बनाया, जिस तरह से वो मोहरा बने रहे, क्योंकि देखिए किसान तो किसी का मोहरा नहीं है, मगर अन्ना ने यह साबित कर दिया कि वो किसके मोहरे थे। खैर वो एक अलग बात है, मगर यह सवाल उठना लाजमी है कि इसके मायने क्या है। निरंकारी ग्राउंड में इस तरह से किसान जब इकट्ठा होंगे तो सरकार पर इस तरह का कैसा दबाव होगा? क्या यह मोदी सरकार का तहरीर स्क्वायर मोमेंट है, तहरीर स्क्वायर लम्हा है? क्या यह मोदी सरकार का रामलीला मैदान लम्हा है? क्योंकि देखिए, अगर किसानों को अनुमति ना दी जाती तो उसका विकल्प क्या होता? नंबर एक, या तो दिल्ली पुलिस को उन पर गोलीबारी करनी पड़ती उन्हें पीछे हटाने के लिए, या अत्यधिक बल प्रयोग करना पड़ता, नंबर एक। नंबर दो, या तो किसानों को पुलिस को रौंदकर दिल्ली में प्रवेश करना पड़ता। मगर अब समझौता हो गया है, नरमी बरती जा रही है। काश जिस तरह का पूरा यह ड्रामा चला था, जिस तरह से किसानों पर दबाव बनाया गया, उन पर बौछार की गई, उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, गड्ढे खोदे गए, जो कि मैं कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं आगे जाके, कम से कम यह ना होता। मगर अब न्यूज क्लिक के संवाददाताओं की पड़ताल और जो तमाम जानकारी मैं इकट्ठा कर पाया हूं उसके आधार पर मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किसानों के लिए हालात कितने मुश्किल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2013 में लोगों का वोट हासिल कर रहे थे, खासकर किसानों का, तब उन्होंने यह कहा था कि बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये बैनर याद है ना आपको। मगर मैं आपको बतलाता हूं कि आज किसान का हौसला किस कदर बुलंद है, वो किसान जिसे बदनाम किया जा रहा है।
सुनिए ये किसान किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी अपील कर रहा है, और उसकी मांग भी बहुत स्पष्ट है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कानून का हिस्सा बनाइए, आश्वासन दीजिए लिखित में। वो और कुछ मांग नहीं कर रहा है मोदी जी, सुनिए इसकी बात। यही कह रहे थे ना, ये बड़ा बैरियर टूटेगा नहीं किसानों से, तोड़ दिया देख ले आखिर। और अब दिल्ली आ रहे हैं, और अब पंजाब से भी लाखों किसान चल चुका है, 50,000 किसान ये है आज तेरी सीएमसीटी में, आज तेरी सीएमसीटी में 50,000 किसान है, तोड़ दिया बैरियर और दिल्ली आ रहे हैं। अभी भी समय है शाम तक का, कल सुबह तक का, अभी भी तीनों काले कानून वापस ले ले, उसमें एक लाइन ऐड कर दे कि एमएसपी गारंटी का कानून बना दे। अभी भी समय है, नहीं तो ये किसान या तो गोली मार ले भी इनका, या तो गोली मार ले, नहीं तो और कोई तरीके से ये रुक ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर ले। तो सुना आपने, आज इसी तरह के किसान कई तरह की समस्या लेकर कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, उन्हें रोका जा रहा है, रास्ते में गड्ढे तक खोदे जा रहे हैं, और ये गड्ढे कोई और नहीं, पुलिस खोद रही है। अब इस पिता और बेटे की बात सुनिए, इनकी पत्नी जो है इस वक्त अस्पताल में, मगर बावजूद उसके ये कूच कर पड़े हैं दिल्ली की तरफ। न्यूज क्लिक के हमारे संवाददाताओं ने इनसे बात की, क्या कह रहा है ये शख्स, आप खुद सुनिए। सर, हम ये बात बताना चाहते हैं कि जब हम मोदी सरकार से ये टक्कर लगा रखी है ना, हम मेड़ के ही चलेंगे। हमारी गुड़िया 2 दिन की है सिर्फ, मेरे डैडी और मैं, हमारा ट्रैक्टर आया है, 2 ट्रैक्टर आए हमारे, ठीक है। ये बात बता रहे हैं, हॉस्पिटल में मेरी जो मेरी मान लो वाइफ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मानसा में ब्रेटली नर्स है, उसके पास है, 2 दिन की मेरी बच्ची है। हाँ, फिर भी मोदी सरकार से टक्कर लेने के लिए आ रहे हैं, उसको हॉस्पिटल की छुट्टी दवाए कोई ना दवाए, हम मोदी सरकार से टक्कर लेंगे जब तक हम उनको इंसाफ नहीं मिल जाता ना, हमारा चाहे गल कट जाए। एक गुड़िया है उसकी कसम खा के कहता हूँ, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम जहाँ ही कुर्बानी दे देंगे, दिल्ली जाके जाएंगे, दिल्ली पीछे नहीं हटेंगे हम। और आप जानते हैं ये जो तमाम किसान जो पंजाब हरियाणा तमाम जगहों से, कुछ लोग आगरा से भी आ रहे थे मगर उन्हें रोक लिया गया था, इनके सामने मुश्किलें कितनी हैं। उनके सामने मुश्किलें इस कदर हैं कि बाकायदा हर जगह पर पुलिस ने गतिरोध पैदा किए हुए हैं, कई जगहों पर खड्डे भी खोदे हुए हैं, जैसे कि न्यूज क्लिक की इस तस्वीर से जाहिर हो जाता है। कम से कम ये 3 तस्वीरें मैं आपको एक के बाद एक दिखा रहा हूं जिसमें बाकायदा गड्ढे खोदे गए हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो सड़कें बनी हैं वो ईमानदार व्यक्ति जो टैक्स पे करता है उसके पैसे से बनी है, इन सड़कों को खोदने का अधिकार आखिर पुलिस को किसने दिया? अगर ये कोई और कर देता तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता, मगर पुलिस तक ये कर रही है। सुनिए इस बुजुर्ग शख्स ने किस तरह रास्ते में किस तरह की मुश्किलों का सामना किया, किस तरह गतिरोध पैदा किए वो देखिए। रोपड़ जिले तो हाँ जी, राजे आल जथेबंदी दे नाल संबंधित हैं जी। असी तो अपने मोरिंडा शहर तो चल के सानू बैरीगेट पै गया आके लालड़ू का, असी फिर लालड़ू बैरीगेट तोड़ के अगे लंघे, अगे आके सानू फिर संभाल के दा बैरीगेट पै गया, उत्थे सानू रात दे 12 बजे रुकना पै गया इन्हां ने, क्योंकि सड़क दे विच खाइयां पट्टियां आउंदे सी, पत्थर सिटे हुए सी बहुत ज़्यादा सी, रात नू असी कुछ कर नहीं सी सकदे। सवेरे उठ के असी वह बैरीगेट भी तोड़ दिता जी, हुण सानू अगे जाके मुरथल का बैरीगेट पैना जी, वह भी असी तोड़ के फिर अगे निकलांगे जी, फिर दिल्ली पहुँचांगे जी असी। कैसे बैरीगेट पीछे सोनीपत वाला थोड़ा थोड़ा अगर आप समझाएंगे तो? वो इन्होंने खाइया पट्टियां हुई सी, पत्थर सटे हुए सी, साडे बंदियां ने नाल कईयां रखियां हुईयां ने, कईयां दे नाल वह खाइया भरतियां ते ट्रैक्टरां दे नाल पत्थर खिच के असी परे करते, अपनी ट्रालियां अगे कढ दित्तियां जी। कितना पीछे से कितना किसान आ रहा है आपके साथ? हाँ, साडा किसान तकरीबन 2400-2500 ट्राली साडी आ रही है, होर जथेबंदियां दीआं वी हैगीआं, तकरीबन 4-5 हज़ार ट्राली सारी हो जूगी। तो सुना आपने, और अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, दिखाने जा रहा हूं एक वीडियो जो मुझे ट्विटर पर मिला, और इसकी तस्दीक भी की जा सकती है काफी हद तक। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से बाकायदा गड्ढा खोदा हुआ है, कितना गहरा गड्ढा खोदा हुआ है, ये वीडियो देखिए जिससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन और पुलिस किस तरह का वाहियात इंतजाम कर रही है, किस तरह की वाहियात हरकतें कर रही है। देखिए,
मगर गतिरोध सिर्फ ये नहीं है किसानों के सामने कि अवरुद्ध पैदा कर दिए गए या गड्ढे खोद दिए गए, नहीं। ये वीडियो देखिए, न्यूज क्लिक का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप देखिए किसान किस तरह से बाकायदा रस्सी से बांध के अवरोध को हटा रहे हैं, जो रास्ते में रोड़े उनके अटकाए गए हैं उन्हें हटा रहे हैं बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सरकार और उसका प्रचार तंत्र किस तरह से उनको टारगेट कर रहा है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि न्यूज चैनल से कहा गया है कि सभी न्यूज चैनल्स ये डिबेट करें कि इन किसानों को किसने भड़काया। सबका जो तेवर है वही है, और कई न्यूज चैनल्स लगातार कई लक्ष्मण रेखाएं पार कर रहे हैं। मसलन TV9 देखिए, खालिस्तान के निशाने पर अन्नदाता पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने मोहरा बनाया। यानी कि अगर ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, दिल्ली का कूच कर रहे हैं, तो आप उन्हें खालिस्तानी बता दो, खालिस्तान का मोहरा बता दो। मुझे बहुत खुशी हुई कि इनके रिपोर्टर्स को एक जगह पर किसानों ने घेरा और उनसे कहा कि आप आखिर हमारे बारे में इतना गंदा प्रचार क्यों कर रहे हैं, हमने आखिर आपका क्या बिगाड़ा है। और आप जानते हैं इस चैनल के जो प्रमुख हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इतने करीबी हैं कि इनको न्यूज चैनल चलाने का कोई हक ही नहीं बनता, समझिए। अब आप समझ सकते हैं कि वो इस तरह का क्यों अभियान चला रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आज तक के कार्यक्रम में शरीक होने वाले माननीय गौरव भाटिया। गौरव भाटिया कह रहे हैं कि ये पता करना चाहिए कि इन किसानों के पीछे कौन है, कौन उन्हें प्रायोजित कर रहा है। गौरव भाटिया, कुछ सालों पहले तक आप इन्हीं न्यूज चैनल्स पर बैठकर बीजेपी को गरियाते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरियाते थे। इन किसानों का ईमान इतना कमजोर नहीं है गौरव जी। हम अक्सर अपने निगाह से, अपने नजरिए से सबको देखते हैं। गौरव जी को भी शायद यही बीमारी है। आज जिस भारतीय जनता पार्टी की तारीफ आप करते हैं, कल आप उन्हें, परसों तक या कल तक आप उन्हें गाली देने से नहीं चूकते थे, नहीं कतराते थे। कृपया किसानों को बदनाम मत कीजिए। आगे देखिए CNN न्यूज 18, दिल्ली चलो वॉर क्राई, हु इज मिसलीडिंग फार्मर्स, किसानों को कौन गुमराह कर रहा है। अब देखिए यहां पर किसानों का प्रदर्शन प्रायोजित है, फार्मर्स फर्स्ट पर ट्वीट करें। यही नहीं, जी न्यूज ने किसानों के प्रदर्शन को डिजाइनर प्रदर्शन बता दिया है। यानी कि इन्होंने पत्रकारों को डिजाइनर पत्रकार बताया, एक्टिविस्ट को डिजाइनर पत्रकार बताया, अब किसानों को भी डिजाइनर पत्रकार बता रहे हैं। सारी हदों को पार किया जा रहा है दोस्तों, जिस तरह से किसानों को टारगेट किया जा रहा है। और अब याद कीजिए जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो किस तरह का प्रोपेगेंडा करते थे। आपकी स्क्रीन पर, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार। एक और नगीना, ABP न्यूज, किसानों को कौन भड़का रहा है। अरे भाई, अगर आप उनके मुद्दे नहीं उठा सकते तो उस खबर से दूर ही रहिए ना। किसान अपना रास्ता खुद तय कर लेगा। अगर आप उन मुद्दों को सलीके से नहीं उठा सकते जो वो मुद्दे लगातार उठा रहा है, तो कम से कम इस प्रोपेगेंडा से तो बचिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल किसान किस तरह से और किन मुद्दों पर उसकी आपत्ति है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा संसद भवन की, जब ये बिल जो है राज्यसभा में पारित हुआ था। बहुत ही विवादास्पद तरीके से हरिवंश जी ने, जो कि उपसभापति हैं, उन्होंने पारित किया था इसको। हरिवंश जी जो एक जमाने में नामी गिरामी पत्रकार हुआ करते थे। कोई बहस नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं, इसे BSE में भी नहीं भेजा गया, किसी तरह की कोई चर्चा नहीं। और जब ये बिल्स लाए जा रहे थे, जो स्टेक होल्डर्स थे यानी किसान, किसानों की संस्थाएं, उनसे बात नहीं की गई। बावजूद इसकर ये तीन बिल्स थोप दिए गए। और ये तीन बिल्स क्या हैं, और इनमें दो बिल्स पर बुनियादी तौर पर किसानों को आपत्ति है, जो आप सुन भी चुके हैं कार्यक्रम की शुरुआत में। वो तीन बिल्स क्या हैं आपकी स्क्रीन पर, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसे किसान कहते हैं MSP हटाओ मंडियों को खत्म करने से जुड़ा कानून। दूसरा, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। और तीसरा, द एसेंशियल्स कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020, यानी अनिवार्य वस्तु नियम में संशोधन जो किया गया है। और इसके जरिए किसान का मानना है कि बेहिसाब जमाखोरी की जाएगी, कालाबाजारी की एक तरह से छूट मिल जाएगी, और किसानों को इसका क्या नुकसान होने वाला है।
अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि दरअसल किसानों को क्या दिक्कत है। सबसे पहले जो तीसरा कानून है जिसका अभी मैंने जिक्र किया, देखिए इस तीसरे कानून के हिसाब से सरकार ये कहती है कि अब व्यापारी जितनी भी जमाखोरी करना चाहे, किसान जो उत्पाद लेकर आता है, जो चीज लेकर आता है, उसकी बेहिसाब वो जमाखोरी कर सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे व्यापारी किसान को मुंह मांगा दाम दे सकता है। मगर ऐसा होता है क्या? आप किसान से पूछिए, वो किसान जो अपनी मेहनत से धान गेहूं उगाता है, फसल उगाता है, उससे आप पूछिए। हकीकत यह है दोस्तों कि जब भी मुनाफा होता है, फायदा होता है, तो वो बढ़े हुए दाम जो हैं व्यापारी की जेब में जाते हैं, और जब भी नुकसान होता है तो वो जो है किसान को अपनी जेब से भरना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है। लिहाजा सरकार जो कह रही है कि बेहिसाब जमाखोरी करें क्योंकि इसके जरिए किसान को फायदा होगा, किसान को दरअसल इस बात पर आपत्ति है। और यही नहीं, देखिए जमाखोरी या उत्पादों को का स्टॉक कौन कर सकता है? कौन कर सकता है बताइए? वो जिसके पास बेहिसाब पैसा हो, जिसके पास कोल्ड स्टोरेज हो। और ये किसके पास होगा? धन्ना सेठों के पास। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि जमाखोरी और ये तमाम चीजों में कहीं ना कहीं जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े उद्योगों का पिछले दरवाजे से प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे पहलू पर, यानी कि किसान जो लगातार कह रहा है कि हमें लिखित में दीजिए कि आप हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, और इससे जुड़ा हुआ है मंडियों का मुद्दा। जी हां, मंडी। योगेंद्र यादव जो कि कृषि मामलों के जानकार भी हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए आखिर सरकारें जो मंडियां हैं जहां किसान अपना उत्पाद लेके जाता है, उसे सुधारती क्यों नहीं? सुधारना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। कई जगहों पर यह हो रहा है कि उन तमाम मंडियों को बंद कर दिया गया है, कई जगहों पर ये मंडियां उपलब्ध ही नहीं है। सुधार तो बहुत दूर की बात है। अब सरकार कर क्या रही है? अपने इस कानून के जरिए निजी मंडियों यानी प्राइवेट मंडियों को बढ़ावा दे रही है। अब अगर किसान के पास विकल्प हो प्राइवेट मंडी का और सरकारी मंडी का, वो किसके पास जाएगा? सरकारी मंडी के अंदर उसे अक्सर टैक्स देना पड़ता है, 4%, 5%। मगर निजी मंडियों में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि किसान जो है सरकारी मंडियों को छोड़ के निजी मंडियों यानी प्राइवेट मंडियों की तरफ जाएगा। कुछ दिनों में क्या होगा, और इस बात को बहुत तफसील से योगेंद्र यादव बता रहे थे कि कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि तमाम जो सरकारी मंडियां हैं वो बंद हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। फिर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा अगर उसकी फसल बर्बाद हो गई या अगर उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी। क्योंकि इस वक्त कानून में कहीं पर भी लिखित में नहीं है कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा इन निजी मंडियों में। किसान इसी बात की तो मांग कर रहा है, तो सरकार आखिर इससे क्यों कतरा रही है? सरकार आखिर इससे क्यों बच रही है? उल्टा सरकार उन किसानों को बदनाम कर रही है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है। मगर हमने न्यूज क्लिक में अपने तमाम संवाददाताओं के जरिए आपके सामने हकीकत लाने का प्रयास किया। और एक बार फिर मैं अपने किसान बंधुओं से अपील करना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आप पंजाब, हरियाणा और तमाम जगहों से दिल्ली का कूच कर रहे हैं, दिल्ली का रुख कर रहे हैं। मगर मेरी आपसे फिर अपील कि इस आंदोलन को, इस कूच को हिंसात्मक ना बनाएं, किसी भी सूरत में हिंसा का रास्ता ना अख्तियार करें, क्योंकि गांधी से लेकर मंडेला तक सभी ने सत्याग्रह और अहिंसा का ही सहारा लिया है। यही बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो बोल के लब आजाद है तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अभी इस बिल को लेकर कई तरह की दुविधाएं, कई तरह की गलत धारणाएं लोगों के मन में है, जिसे हमें दूर करने की जरूरत है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।